क्या हुआ भाई, क्या सूरत हाल है? आ रहे हैं वो। ये हैं? इस जाल की इब्तदाई कीमत 100 यूरो है। 150 150 150 लगे हैं। ओह, ये तो बहुत महंगा हो गया। मुबारक हो, जाल तुम्हारा हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत शुक्रिया भाई, बस महमूद भाई का जाल बच गया। ये तो हो गया, अब कश्ती की बारी है। अब इस कश्ती की इब्तदाई कीमत 1000 यूरो। कश्ती के 1000 यूरो? 1000 यूरो? किस बात के 1000 यूरो? कोस्टास, ये कश्ती की कीमत है, खुदा के वास्ते कुछ तो करो तुम। वो 1000 कह रहा है, 1100 कह दो। 1100 लगे हैं। 1100 यूरो? 1400 यूरो दूंगा। 1400 यूरो लगे हैं। मैं इसके 1550 लगाता हूँ। 1550 कर दिया। कोस्टास, वो मेरी रोजी रोटी है, अब हम क्या करें? 1700 यूरो। 1700 यूरो? पांच हजार यूरो। कश्ती तुम्हारी हुई। मुझे शिप पर काम करने के लिए कहा गया था। मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा। मछुआरे? मैं? तुम मछुआरे नहीं हो क्या? हाँ, वो तुम्हारी यार्ड है ना? मेरी थी, वो वापस तुम्हारी है। ये क्या है, नशे में है क्या आप? चलो सैर करा दो बस। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिर मसला क्या है? तुमने कश्ती ले ली है, फिर क्या मसला है? अच्छे से इस्तेमाल करो उसे, जाओ ये लो चाबियां। सच बताऊं, मुझे यार्ड चलाने नहीं आती। चलो सैर करा दो मुझे, आ जाओ। अब ये क्या मसला है यार? बात सुनो जुनेद, कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, समझे तुम? मुझे अजीज जिंदा चाहिए, ध्यान से। ठीक है। शाबाश। क्या हुआ, जो मैंने तुमसे कहा तुमने कर लिया? अभी नहीं, अभी मेरी आखिरी चाल बाकी है। तीर अगर निशाने पर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो तुम्हारा कहना मान लूंगा। कुछ गलत मत करना प्लीज। कुछ गलत नहीं कर रहा मैं, गलत को मिटा रहा हूं, यानी भाई को। अजीज को लगेगा कि वुराल ने उस पर गोली चलवाई, और अजीज को यह खबर जाकर मैं बताऊंगा, और फिर वुराल का किस्सा खत्म। बस इतना आसान सा काम है ये। अगर गलती हुई तो सब खत्म। मैं मजबूर हूं, मजबूर। डेफ ने मुझ पर 5 करोड़ का कर्ज है, सिर्फ एक ही रास्ता है अदायगी का, इससे पहले किसी को पता चले। ये सब मुझे ही करना होगा, वरना तुम्हारा शौहर खत्म। खुशामदीद, आ जाओ। कैसे हैं सर? मैं कुछ तैयार करता हूं तुम्हारे लिए।
टेबल तो रेडी है। मुझे माफ कर दीजिएगा, यूनिफॉर्म पहन कर नहीं आई हूँ आज। नहीं, यूनिफॉर्म की यहाँ जरूरत नहीं है। आपके मेहमान कहाँ हैं? आज के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मेहमान है और वो तुम हो। मेरे ख्याल से शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं आपकी मेहमान नहीं हूँ। क्या आप मुझे वापस ले चल सकते हैं? नहीं ले जा सकता, बल्कि ले जाना ही नहीं चाहता। क्या मतलब है कि नहीं लेके जाऊंगा? मुझे वापस जाना है, लेकर चलिए। नहीं, मैं तुम्हें इस बार नहीं खो सकता। अगर मैं सच कहूं तो ये 500 यूरो की नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिए इसकी बहुत कीमत है। ये बेमोल है मेरे लिए, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर आपको चलाने नहीं आती तो खरीदे क्यों है ये कश्ती? सर दुख गया मेरा तुम्हारी बातों से, बस चुप। अरे बोलने दीजिए चाचा, खुदा के वास्ते मैं सच कह रहा हूँ आपसे। आपने ये कश्ती मुझे खैरात में दे दी, ये सही नहीं है, मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ, मगर मैं पैसे जमा करके आपके पास वापस आऊंगा। अगर आप तब भी इसे बेच रहे होंगे तो बैठकर बात हो जाएगी हमारी, इसमें कौन सा बड़ा मसला है वैसे। वरना मुझे सदका नहीं चाहिए, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ, एक और बात जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, आखिर तुम इस कश्ती का करोगी क्या? ये कश्ती तो बिल्कुल टूटी फूटी सी है। यानी क्या आपको किसी बहुत बड़ी कंपनी का कोई बहुत महंगा सा जहाज नहीं खरीद लेना चाहिए? बेटा तुम कभी चुप भी रहते हो क्या? तुम्हारी नेचर तुम्हारे बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे बाबा को आप कैसे जानते हैं? तुम्हारे बाबा इब्राहिम, आज से 25 साल पहले उसने मेरी जान बचाई थी। एक बेगैरत खानदान ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, या तो मुझे इसकी वजह से जेल काटनी पड़ती या यहाँ से भागना पड़ता। पता है यूनानिस्तान में इस तरह से आजादी से जाना मुमकिन नहीं था, बहुत सख्ती थी वहाँ। अगर वहाँ कोई ऐसे घुसता तो सर कलम कर देते। जहाँ मेरी मदद किसी ने भी नहीं की, इब्राहिम तुम्हारे बाबा हमारे होटल में मछलियाँ लाया करता था, इसलिए मुझे जानता था। जब उसने सुना कि मैं भागने वाला हूँ वहाँ, वो आया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी बेगुनाही पर यकीन है। उसने मुझे ले जाने का वादा किया और मेरी बात पे यकीन करने वाला वही शख्स था। बगैर किसी पैसे के अपनी जान खतरे में डालकर यूनानिस्तान ले गया। मुझे ये कहानी मालूम है। जब हम छोटे थे तो बाबा हमें ये सब कुछ बताते थे, लेकिन किसी और की कहानी की तरह। हम सोचते थे कि कितने बहादुर लोग हैं दुनिया में, तो वो बहादुर इंसान मेरे बाबा ही थे। बेटा आज मैं यहां इब्राहिम का वही कर्ज चुकाने आया था, और ये कोई सदका नहीं, ये यार तुम्हारी है। आप मुझे वापस लेके जाइए वरना मैं समंदर में कूद जाऊंगी। अरे रुको 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 रुको, रिलैक्स हो जाओ। मेरी बात एक बार सुन लोगी तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपको जो भी कहना है कहे, मैं सुन रही हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो और जवान भी हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है हसन। मुझे पता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए अचानक होगा, लेकिन मैं जिन हालात से गुजरा हूँ, अगर तुम जानती तो तुम समझ जाती। मैं तुम्हें चाहता हूँ, बल्कि तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खुद को समझते क्या है आप? 3 दिन बाद शादी है मेरी। देखे इससे पहले मामला बिगड़े मुझे वापस ले चले। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या किया आपने ये? बचपना ना दिखाओ। आपको चाहिए क्या? मुझसे चाहिए क्या? मुझे वापस क्यों नहीं भेजते आप? भेज देना।
मुझे वापस। मैं तुम्हें इस बार नहीं खो सकता हूँ हसन। तुम्हारी शादी जरूर होगी लेकिन मुझसे। प्लीज इसे जाके पहन लो। पागल हो तुम? मैंने कहा इसे जाके पहनो। सिर्फ एक डिनर, बस यही चाहता हूं मैं। मैंने कहा ना इसे जाके पहनो, जल्दी जाओ। ठीक है पहनती हूँ, लेकिन फिर आप मुझे वापस जाने देंगे यहां से? वादा करें। उसे मारना नहीं, सिर्फ डराना है तुम्हें उसे। इससे क्या मिलेगा, टांग पर गोली मार देता हूँ। कभी तो मेरी बात समझ लिया करो तुम। मकसद सिर्फ हवाई फायरिंग करनी है, उसका सिर्फ एक ही दुश्मन है, वुराल। वो समझेगा कि इसने करवाया है। बाकी सिनान साहब पे छोड़ दो, तुम बस इतना काम करो। आपने बहुत पैसे बर्बाद कर दिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस पे। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लिए बेमोल है ना, तो ये रकम कोई माने नहीं रखती। ये है क्या? माफ कीजिएगा, मैंने कश्ती पे आपके साथ बदतमीजी की, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम भी मुझे माफ करना, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। चलो खुदा हाफिज बच्चे। ठीक है, खुदा हाफिज। बोलो अबरू, सुन रहा हूं मैं। अजीज साहब, अजीज साहब, बेटा किनार, हफीज, हफीज, आओ, बेटा किनार, जख्म गहरा है, हॉस्पिटल लेके चलो, उठाओ इसे। उस्ताद, शुक्र है गोली छूकर गुजर गई, इसे दूसरे तरीके से देखते हैं। फालतू की बकवास बंद करो। उस्ताद, इसका जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, लगता है हॉस्पिटल ले जाना होगा। पुलिस इसकी छानबीन शुरू कर देगी, आप अभी तो जेल से बाहर आए। मैंने उस लड़के को गोली मार दी है। बात समझे उस्ताद, ये लड़का बिना वजह मुसीबत में फंस जाएगा। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बेटा कैसे ठीक हो, तुम्हें गोली लगी है? गोली? मेरी बात सुने उस्ताद, गोली छूकर निकल गई है, खतरे की कोई बात नहीं। अगर इसकी हालत खराब होती तो आपके कहने से पहले मैं इसे अस्पताल ले जाता। चलो। बाबा मैं कहत की तरफ जा रही हूँ, आप भी जल्दी आ जाइए। होटल से बाहर नहीं निकलना। बाबा क्यों, क्या हुआ? अजय वहीं पे रहना, तुम्हारे पास थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, यूजर है ना, कॉल करो उसे और कहो सामान लेकर होटल पहुंचे। ठीक है उस्ताद।
अपने को पहन लिया मैंने। देखो अब जाने दो मुझे। तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा। आंखें मत बढ़ना, तुम हट जाओ मुझसे दूर। मुझ पे भरोसा करो, मैं अच्छा रहूंगा। हाथ ही लगाओ, नहीं करो ऐसा, प्लीज छोड़ दो मुझे। अम्मी, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो इसको। खोल दो ये दरवाजा, खोलो इसे, खोल दो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था तुमने मेरे साथ? ऐसा क्यों किया है बताओ मुझे, जवाब दो इस बात का, क्यों किया है ये सब मेरे साथ? मत रो प्लीज, मेरा वादा है मैं अब तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। तुमने मेरे पास कोई और चारा छोड़ा भी नहीं था, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हज़ल। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। पागल हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी बात सुनो, हम शादी कर लेंगे, हम लोग बहुत खुश रहेंगे। मुझसे दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाना। तुम समझ क्यों नहीं रही हज़ल, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। हटो कहा ना। इधर बैठो। बाबा, ये कैसे हुआ? इंतजाम हो गया है, सब तैयार है। बाबा ये कौन है और ये कैसे हुआ? इजे खामोश, अंदर चलो जल्दी, टाइम नहीं है। हिम्मत करो बच्चे, आराम से। कोई है? कोई मेरी मदद करे, कोई है मेरी मदद करे, कोई है हज़ल, कोई है हज़ल, मदद करो, कोई मेरी मदद करे आके। रुको, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना। खुदा मेरी मदद करना। हज़ल, बस कर दो अब। मत आओ मेरे पीछे, मत आओ। जाने दो मुझे, मेरी बात सुन। नहीं, मुझे जाने दो। असल बहुत हुआ, बस कर दो। आराम से बेटा, आराम से। क्या हुआ? इसे गोली लगी है और बाहर निकल गई। जल्द से जल्द खून को रोको, मैं नहीं जानता, कुछ भी करके रोको। प्लीज आप हटिए, तुम मेरी मदद करना। बाबा एक सेकंड, मुझे बताइए कि क्या हुआ है और ये है कौन? आप इसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए? इजे बात कम करो और काम ज्यादा, मदद करो यूजल की। नहीं बाबा नहीं, ऐसे ठीक नहीं होगा, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कुछ नहीं हुआ, ये ठीक है। इसे क्या पता तुम्हारा का तुमने क्या क्या किया है? कौन है ये लड़का, कहाँ से आया है? आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। तुम ये काम कर सकते हो या नहीं बेटा? अगर नहीं कर सकती तो बाहर जाओ। कैनन, इसे क्या हो रहा है? दर्द से बेहोश हो गया है। आप लोग बाहर जाएं, आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज। यूजल देखो, ये बच्चा जिंदा रहना चाहिए, इसे जिंदा रखना होगा और मुझे कुछ नहीं सुनना।
लानत हो यार, कहाँ हो तुम किनान, कहाँ हो? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। सारा प्लान गड़बड़ हो जाएगा मेरा। अब वो कैसा है? अब खतरे की बात नहीं है, शुक्र है कि गोली छू कर गुजर गई। इसे आराम की जरूरत है। शुक्रिया यूजर, काम आने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बताए ना बाबा ये कौन है? सिर्फ आपके कहने पर एक अनजान आदमी का ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। अगर आप इसकी वजह हैं तो बता दें। छोटा सा जुर्म किया है जी, छोटा सा। आपका मतलब क्या है? ये लड़का जो तुम्हें मुसीबत लग रहा है, इसने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को ढाल बना डाला। आप ही ना बाबा, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कुछ बदमाशों ने समंदर के करीब हम पर गोलियां बरसा दी और ये हिम्मत वाला जवान मुझे बचाने के लिए मौत से रूबरू हो गया। इसीलिए आप इसे बचा रहे हैं? केनान। केनान को आप इसीलिए बचा रहे हैं ना? बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। आज से मैं इसका कर्जदार। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हाँ, मैंने उसे समझा दिया है, आप फिक्र ना करें। बहुत अच्छे अजीज, तक खबर पहुंच जानी चाहिए। सब तरफ अभी से खबर फैलाना शुरू कर दो कि ये काम वुराल ने करवाया है। समझ गए? ठीक है, हो जाएगा, परेशान ना हो। वुराल कहाँ है? नहीं पता। मिस्टर तारिक, जी मैडम। वुराल साहब कहाँ हैं? वशीप पर कहीं गए हैं। किसके साथ? हमारी एक मुलाजमा के साथ, हजल के साथ। हम दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यह मामला किधर जा रहा है। आपको नई बहू मुबारक हो प्यारी अम्मी जान। वैसे लड़की गरीब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कुछ भी करके उसे हमारे खानदान के लायक बना ही लेंगी। बकवास बंद करो अपनी, कोई और काम नहीं है तुम्हें? कैसे नहीं होगा, मैं अभी घर के मसले सुलझाने में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे साथ वक्त जाया नहीं करना चाहती। आपको भाई के अलावा कोई और दिखता ही नहीं, वैसे भी आप मेरी फिक्र ना करें अम्मी। बहुत घटिया इंसान हो तुम, वाकई एक घटिया इंसान हो, मरने के लायक हो तुम। सुना, कसम खाती हूँ तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुमने मेरी हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, दूर चले जाओ मेरी नजरों से। मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। अम्मी जान। बेटा तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? जाने दो मुझे, जाने दो। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? खुदा का वास्ता है तुम्हें। ये किसकी आवाज थी वुराल? वुराल किसकी आवाज थी? अब मैं हजल को खोना नहीं चाहता हूँ। क्या किया है तुमने, बताओ बेटा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मोहब्बत की है। ठीक है बेटा, तुम रिलैक्स हो जाओ। वो ठीक है? हाजल ठीक है ना वुराल? हाँ,
मुझे ऐसी आवाज आई जैसे उसे किसी मदद की जरूरत है। मेरे जीते जी वो किसी और की नहीं हो सकती। हज़ल अब सिर्फ मेरी है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनो। सुन रहा हूं मैं। रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानती हूं। देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूं और तुम्हारी मुशीर भी हूं, तुम्हारी मां भी हूं। देखो बेटा मैं हमेशा तुम्हारा साथ देती रही हूं और देती रहूंगी। तुम समझ रहे हो ना मेरे बेटे? जानता हूं। तो फिर ठीक है बेटा, तुम वापस आ जाओ, हम इसे मिलकर संभाल लेंगे हमेशा की तरह बेटा। ठीक है मेरी जान? मैं इसे हर हाल में खत्म करूंगी चाहे जो हो जाए। जान ओहो, कौन सा बंदर का है ब्रो? ठीक है ठीक है। मलिक मेरी शर्ट कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही। मैं इस्त्री करके वहां लटका दी थी। वहां नहीं है, अभी देखती हूं। मैं ये हाजल और आबरू के लिए अलग कर रही थी। ये क्या है मलिक? क्या है ये? 25 साल गुजर गए, तुम ऐसे आदमी की तस्वीर कैसे रख सकती हो जो इतनी हसास हालत में तुम्हें छोड़कर भाग गया था? मैंने ये हाजल के लिए रखी थी, कसम खुदा की कोई और वजह नहीं थी। तुम हाजल से क्या कहने वाली थी कि ये है तुम्हारा कमीना बाप जो तुम्हें और मुझे छोड़कर चला गया था? उसके लिए तस्वीर रखना चाहती थी, मुझे लगा कि कभी वो अपने बाप के बारे में जानना चाहे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। मैं ही उसका बाप हूँ, अगर तुम्हें उसको सच बताना ही है तो ये बताओ कि मैंने तुम दोनों को कैसे संभाला, कैसे उसे पाला पोसा और बड़ा किया, और उसने क्या किया, छोड़कर चला गया तुम लोगों को, और मैंने तुम दोनों को कैसे अपनाया ऐसी हालत में, और मैं तुम लोगों की वजह से एक गरीब मछेरा बनकर ही जिंदगी गुजार रहा हूं। जानती हो मैंने बहुत बुरी जिंदगी जी, सिर्फ तुम लोगों को अपना शहर ना छोड़ना पड़े, इसीलिए मैंने अपना घर और खानदान सब छोड़ दिया। क्या इसीलिए? बताओ, इसीलिए ही ना? पूरे 25 साल। खलील रुको। हाँ तुम गलत समझ रहे हो खलील। क्या हुआ? मेरी बेटी तुम कब डॉक्टर बन गई? पता है तुम आज भी मेरे लिए छोटी सी ईजे ही हो। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे हमेशा छोटी ईजे ही समझिएगा। शायद इसी बहाने अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ये छोड़ने वाली बात कहां से आ गई? आपको क्या लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ? मुझे आज भी आपकी जरूरत है बाबा, मुझे आपकी जरूरत थी और हमेशा रहेगी। अम्मी के बाद सिर्फ आपने ही संभाला। अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं इस खौफनाक दुनिया में तन्हा रह जाऊंगी बाबा। अरे मेरी बच्ची रोने की जरूरत नहीं। आप छोड़कर नहीं जाएंगे ना बाबा? इतने अरसे बात मिले और मैं आपको खो देने वाली थी आज। मेरा अब और कहीं जाने का इरादा नहीं है।
रोए नहीं करते। ओह चलो अब जाओ अंदर, उसके साथ रहना। उस्ताद, उसे होश आया? उसे दर्द की वजह से सुलाया हुआ है, बस ये बच्चा ठीक हो जाए और देखना ठीक हो जाएगा। मैंने आदमियों को होटल के चारों तरफ लगा दिया है, सिक्योरिटी डबल कर दी है, सोचा आपको बता दूं। अच्छा किया, अब जाकर फायरिंग जिसने की है उसे ढूंढो फौरन और यहां ले आओ उसे। जैसा आप कहें। कुछ चाहिए क्या किनान? जल्दी से आइए बाबा। क्या क्या जानान साहब आई हैं? जानान देमरोलो? मुझे नहीं पता। फिर मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो जानान देमरोलो से मिलने आया था। भूल जाइए उसे, हमारी मुश्किल बहुत बड़ी है। देमरोलो खानदान से ज्यादा जरूरी नहीं है। अल्लाह अल्लाह बाबा जान, इसका ताल्लुक भी उसी खानदान से लेकिन दूसरे देमरोलो से। क्या मतलब, कैसे? वुराल। उसे क्या हुआ है? वो असल में कैसे बताऊं बाबा आपको, वो अब बताओ भी हुआ क्या है, क्या बात है बताओ। हासिल इस वक्त वुराल की कश्ती में है उसके साथ। वो दोनों वहां तन्हा है। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, इतनी कीमती कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूं मैं। जो कुछ भी मैंने किया वो सही नहीं था, पर वो मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हें या तो हासिल करना था या मार डालना था। मेरे जज्बात कभी तो समझोगी तुम कि इस जिंदगी में तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला शख्स नहीं मिलने वाला है, और अगर ऐसा कोई आया भी तो उसका नाम निशान बाकी नहीं रहेगा, हम कभी जुदा नहीं होंगे। और जैसे मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता तुम भी नहीं जी सकोगी, तो ये जिद करना बंद कर दो तुम। और मेरा वादा है कि मैं इस मोहब्बत के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा, सब कुछ। मेरा वादा है तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करने लगोगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसका मतलब है बाबा कि इतने अजीम खानदान का बेटा हमारी हासिल का दीवाना हो चुका है। कमाल की बात है। क्या बात कर रही हो, क्या उसने तुम्हें खुद बताया है? मैं नहीं जानती इस बारे में। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्या पता उसे मोहब्बत हो गई हो। नहीं अब ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, खैर चल के पता करते हैं। रुको। जाने दो आप मुझे, जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो आप। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ।
बाबा। रुक जाओ। हाजल। ये हो क्या रहा है उराल साहब? फिलहाल कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमने दोबारा हाजल पर हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। या अल्लाह मदद। हाजल और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? हाजल रुक जाए, रुक जाए बाबा, रुक जाए, जल्दबाजी मत करें, मैं उसे संभाल लूंगी जैसे मैंने पहले किया था, आप मुझ पर भरोसा रखें। मुराल साहब, कैसी शादी? आप जैसे अमीर तरीन लोग हम गरीबों में कैसे शादी करेंगे? बकौल तुम्हारे, तुम तो हमारे खानदान को अच्छे से जानते हो, भूल गए क्या? तुमने कई सालों मेरे बाबा के लिए काम किया था। हम जिस चीज का इरादा कर लेते हैं उसे कर गुजरते हैं। अब मैं और हजल शादी करेंगे, मैं रिश्ता मांग रहा हूँ तुमसे, अब चाहे हजल ये चाहती हो या ना चाहती हो। कहाँ चली गई यार? अंधी हो क्या? हजल कहाँ है? पता नहीं, मुझे कहीं नहीं मिली वो, जैसे जमीन उसे निकल गई हो। तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए था ना। हजल का फोन है क्या? वुराल है, वुराल का फोन है। अब मैं क्या कहूंगी? उससे कहो हजल मिल जाएगी, ये लड़का पागल हो गया है। अगर ये मामला बिगड़ गया तो हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वो कहां जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा घर जाएगी, वहीं मिल जाएगी वो। चलो उठाओ फोन, उठाओ। हेलो, क्या हजल तुम्हारे साथ है? हाँ वो मेरे साथ है, हम अभी घर ही जा रहे हैं। वैसे वही, रुको मैं आता हूँ, मुझे हजल को एक बार देखना है। ऐसा नहीं हो सकता, यानी अभी सही वक्त नहीं है, आप हमें कुछ टाइम दें। अच्छा, हम इस वक्त रास्ते में हैं। तुम्हें किसी भी तरह इस मसले को सुलझाना होगा, सुन रही हो ना तुम? हाँ मैंने सुन लिया, सुन लिया मैंने। ठीक है। वुराल, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? बैठो यहां। जब सोकर उठे तो इसे रूम में ले जाना। ये उन्हीं का काम है ना, दमीरोलो की खानदान का। ये तो जल्दी पता लगेगा। फिर क्या होगा? अगर उनके अलावा कोई और हुआ तो आप क्या करेंगे? क्या आप उनके साथ भी वही करेंगे? क्या ये सिलसिला खत्म नहीं होगा बाबा? ऐसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर? मुझे इस मामले को पहले ही निपटा लेना चाहिए था। ऐसा होता तो ना जिंदा होती। उसकी हकीकत का पता करने की वजह से शायद दमीर ओलू खानदान ने इसी वजह से हमला करवाया। अच्छे लोगों की आंखों में जो चमक होती है ना, वही चमक उसकी आंखों में देखी। हाँ सर। क्या हो रहा है? इसका बुखार पड़ गया है, कम करना होगा। मत जाओ हाजल, मत जाओ। इससे उसे सुकून मिलेगा।